हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अब मौसम बनारस का बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो डेली ही मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि गर्मी थोड़ी कम मिल रही है, राहत हो गई है। हाँ, उमस तो अभी जस का तस है, लेकिन सुबह शाम में बारिश ज़रूर हो जा रही है और शाम होते ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही। बादल का आप कलर देख सकते हैं कि कितना छाया हुआ है बादल, यानी बारिश होने वाली है। के बैठे हैं छत पे, शाम का टाइम है और मौसम बहुत ही अच्छा है। बैठ सकते नहीं हैं क्योंकि हमें लग रहा है अब बारिश शुरू होने वाली है, तो थोड़ी देर बैठेंगे। हवा बहुत ठंडी चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बारिश शुरू भी हो गई है तो बैठना मुश्किल है, फिर नीचे चलेंगे। लेकिन जब तक बारिश नहीं हो रही है थोड़ी देर, तो यही तो अच्छा है, कम से कम मौसम चेंज हुआ, हम लोगों को भी राहत मिली। और आप देख सकते हैं छत का मौसम कितना सुहाना है। ऐसा ही मौसम बना रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। सबको राहत मिली है गर्मी से और हम लोगों को भी मिली है। तो हो गई सुबह, ये दिन आज शनिवार का है और आज हम अपने बड़े बेटे के साथ बाहर निकले थे तो गुरुद्वारे गए थे। तो गुरुद्वारे हमेशा ही हम जाते हैं, वहाँ जाना हमें बहुत ही पसंद है। तो आ गए यहाँ पे और आए, यहाँ आने के बाद सबसे पहला नियम कि आपको अपना हाथ पैर धुलना है, जूतों को बाहर उतारना है, जूता चप्पल जो भी आप पहने। बहुत ही पवित्र स्थल और बहुत ही धार्मिक जगह है ये, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि आप जूता चप्पल पहन के एंट्री करें, आप बाहर ही उसको उतारिए। और हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं तो मेरा बड़ा बेटा भी जा रहा है और हम भी साथ में उसके जा रहे हैं। अंदर अलाउड नहीं है मोबाइल, इसलिए बाहर का ही आप लोग को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये खड़ा हो गया है और सिर पे हैंकी लगा रहा है। तो जो लड़के होते हैं ना, उनको अपने सिर पे हैंकी लगाना होता है, बांध के बाल खोल के नहीं जाना होता है अंदर। और जो औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको सिर पे अपने दुपट्टा रख लेती हैं, और या आप साड़ी पहनी है तो पल्लू रख लीजिए। तो ये ज़रूर करना है, क्योंकि गुरु जी हैं या ईश्वर हैं, ईश्वर के आगे कभी भी बाल खोल के नहीं खड़े होने चाहिए, सिर खोल के नहीं खड़ा होना चाहिए। तो हमारे ये गुरु जी हैं, तो इनके आगे आप इस तरीके से ही आइए और इस तरीके से ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम एंट्री कर गए हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बैठे उसके साथ, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा ही हम आते हैं, उसके बाद फिर आगे निकल गए। हम लोगों को कुछ गुदौलिया पे काम था तो वहाँ गुदौलिया का काम किए, फिर आ गए थोड़ा सा पेड़ पौधे, जो बाहर हम निकले और ना ले ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पौधे भी लेने लगे थे हम। तो पौधे खरीद रहे थे, उसमें से बहुत सारे फूल जो सीजनली हैं, जो सीजन में निकल आते हैं फूल, तो उनको भी लगाना था हमको। तो यहाँ से हम हमेशा खरीदते रहते हैं और बहुत बार आप लोगों को दिखा भी चुके हैं। ये दशाश्वमेध घाट का है, तो यहाँ से कुछ पौधे ले रहे हैं, करी पत्ता ले रहे हैं। तो करी पत्ता दो बार हम ला चुके हैं और लग भी गया है, लेकिन अभी निकलने में टाइम लगेगा। पौधे लग चुके हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर उसके बाद बिल्कुल वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आज भी करी पत्ता भी लिए हैं, क्योंकि करी पत्ता से इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए करी पत्ता ज़रूर लगाना चाहिए घर में। तो यहाँ करी पत्ता हम बड़ा वाला ले लिए हैं, जो बहुत अच्छा लगा हमें। कुछ फूल लिए हैं, तुलसी माँ का पौधा लिए हैं, तो इस तरीके से लिए, मार्केट से ख़रीदारी कुछ किए और फिर अब वापस घर की तरफ आ रहे हैं। तो रास्ते में ही नाश्ता खरीद लिए थे, बाहर निकलते हैं तो घर जाने के बाद नाश्ता तो हम नहीं बना सकते अगर सुबह हम निकले हैं तो बाहर से ही नाश्ता लेके जाते हैं। तो नाश्ते में सबके लिए लेके गए थे यहाँ से गर्मा गर्म उड़द के दाल की कचौड़ी, हींग वाली, जो मेरा फेवरेट है, जिसमें दाल बहुत ज़्यादा भरा रहता है उड़द का, वही कचौड़ी हमें पसंद है। नहीं तो हमें बाहर मार्केट की कचौड़ी नहीं अच्छी लगती है, अगर इस तरीके की कचौड़ी नहीं बनती है। और ये रही पनीर की सब्ज़ी, तो बहुत टेस्टी इनकी देसी घी की रहती है कचौड़ी, और सब्ज़ी बहुत अच्छी होती, तो हम यहीं का खाते हैं, नहीं तो हमें पसंद नहीं आता है। तो इनकी कचौड़ी अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें उड़द की दाल इतनी अच्छी स्टफ़ की रहती है,
और हींग जब भी आप खाते रहेंगे तो हींग का महक खुशबू उसमें आता रहता है। तो ये मेरा फेवरेट है, कचौड़ी सब्जी और जलेबी। तो अगर मार्केट सुबह हम बाहर कहीं निकले तो नाश्ता बाहर से ही आता है, घर पे हम नहीं बनाते, क्योंकि बाहर थक जाते हैं तो घर से आके फिर तुरंत नाश्ता बनाना ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता है। तो यहाँ हम मेरे बेटे और हस्बैंड बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। कचौड़ी बहुत अच्छी थी और यही कचौड़ी हम हमेशा लाते हैं और यहाँ मंगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये खोल के हम दिखा रहे हैं आपको कि इसमें दाल कितनी ज़्यादा भरी हुई है, तो टेस्टी बहुत लगती है। तो ये हो गया हम लोगों का सबका नाश्ता, भरपेट नाश्ता हो गया। फिर रास्ते में ही ले लिए थे, खीरा लिए थे और केला लिए थे, सेब लिए थे, ये सारे फल लेके आए थे। तो अभी इसमें से केला निकाल देंगे और खीरा है सेब है धुल के पोंछ के रख देंगे। तो ये फल खरीद लिए थे रास्ते से ही आज। तो इस तरीके से हो गया था मेरा आज सुबह का सारा काम। और मन गुरुद्वारे में बहुत अच्छा लगा, जो मेरे घर के बहुत पास है ये गुरुद्वारा। फिर किसी दिन हम आप लोगों को अंदर तक अगर ले जाने दिया जाएगा तो पूरा वीडियो दिखाएंगे। फटाफट से फिर काटने लगे, नेनुए की सब्जी बनानी थी, परवल की सब्जी बनानी थी, आलू को बॉयल कर दिए थे, बस सरसों के तेल में फटाक से डाल दिए, हरी मिर्च लाल मिर्च जीरा का तड़का दिए और परवल को इस तरीके से गोल गोल कट किए थे। आज अच्छा लग रहा था, मन किया था ऐसे खाने का। और इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लिए। उसके बाद जो आलू बॉयल किए थे आलू इसमें ऐड कर देंगे और मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये पक चुका है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि दाल चावल से खाना है और इतना सूखा सब्जी भी कोई नहीं खाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो जाए। तो इस तरीके की आलू परवल की सब्जी बिल्कुल लगता है ढाबा स्टाइल में बनता है, तो ये सबको बहुत पसंद आती है। एक साइड में नेनुआ है, नेनुए को काट दिए हैं। तो आज नेनुआ बिल्कुल केवल प्याज वाली बनाएंगे, तो नेनुए की सब्जी में प्याज डाल दिए हैं और प्याज लहसुन प्याज हरी मिर्च बस यही डालते हैं, रेड चिली डालते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च और लाल मिर्च का तड़का दिए और डाल दिए हैं प्याज, गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज तल दिए, फिर डाल दिए इसमें नेनुआ, क्योंकि चना भी डालते हैं, बेसन वाला भी आप लोगों को पकौड़ी वाला भी बहुत बार दिखा चुके हैं। तो आज ये नेनुआ बना रहे हैं प्याज वाला। तो इस तरीके से आज मेरा दोपहर का खाना भी बन के रेडी हो गया, दाल चावल आलू परवल की सब्जी नेनुए की सब्जी। तो इस तरीके से आज मेरा पूरा दिन निकला। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं पानी बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और ये अभी पौधे हम लाए ज़रूर हैं, अभी लगाए नहीं हैं इसको गमले में, तो अब इसको कल सुबह हम पॉट में लगाएंगे। तो इस तरीके से था आज का मेरा दिन। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ़ से नमस्कार। मेरे चैनल